नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं टेक्नो व्लॉगिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सभी YouTube चैनल्स चाइनीज स्मार्टफोन्स को अभी भी प्रमोट करने में लगे हुए हैं। छोटे से लेकर बड़ा YouTube चैनल, सबके लिए अपनी दुकान चलाना ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं भारत में लॉन्च होने वाले जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन्स हैं, उनकी वाहवाही और तारीफ करने में लगे हुए हैं हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, इंडियन यूट्यूबर्स। खैर, हम इस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi हमारे इंडियन कंज्यूमर्स का शोषण करने में लगी हुई है और कैसे वो हमारी सिक्योरिटी पे नुकसान डाल रही है। और ये मुद्दा बहुत गहरा है, इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखें और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों को भी इतना पता चल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी जो पोको है, उसके नए स्मार्टफोन के बारे में, पोको M2 Pro। देखा जाए तो Xiaomi और पोको अलग हो चुकी है। पिछले साल 2019 में उन्होंने अपना पोको का जो दूसरा वर्जन है वो निकाला था। पोको से उसका कोई लेना देना नहीं था। गाइज, पोको का पहला फ़ोन पोको F1 कमाल का स्मार्टफोन था। जब इंडिया में लॉन्च हुआ बहुत हिट हुआ और इसी कारणवश लोगों ने और ज़्यादा डिमांड की कि भाई ऐसे स्मार्टफोन्स लेकर आओ जो फ्लैगशिप किलर्स हों, उनमें बहुत तगड़ा प्रोसेसर यूज़ किया जाए और बजट फ्रेंडली हो, 25,000-30,000 इसके आसपास हो। लेकिन Xiaomi ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया है, जो 2020 में जितने भी पोको के स्मार्टफोन्स आए हैं, Xiaomi के ही खुद के जो रीब्रांड वर्जन है वो यही है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा, मेड इन इंडिया। बड़े बड़े लेबल्स लगाए हुए इन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने बॉक्स पर, मेड इन इंडिया ये वो, बट सच्चाई ये है कि इनका एक पार्ट, एक पुर्जा भी यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता। वो यहाँ ला के बस असेंबल कर देते हैं और मेड इन इंडिया हो गया। आप लोगों को भी एजुकेट होना होगा, मैन्युफैक्चर इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन्हें काफ़ी मैन्युपुलेट करके बेचा जा रहा है आप लोगों को। बैक टू आवर टॉपिक कि Xiaomi और पोको अलग हो चुके हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इनकी PR टीम को ट्विटर पे कुछ कहोगे ना, तो ये कहेंगे कि हमारा पोको से क्या लेना देना, और पोको वाले कहेंगे हमारा Xiaomi से क्या लेना देना भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं, उनकी ब्रांच पर जाओ, उनकी ब्रांच पर। सरकारी ऑफिस खुला हुआ है क्या भाई लोग? लेकिन जब बात आती है स्मार्टफोन की, तो एक दूसरे को कॉपी करना धड़ल्ले से शुरू कर देते हैं ये लोग। अब Redmi Note 9 Pro को किया है या नहीं किया है कॉपी? और गाइज, सिर्फ कॉपी करने की ही बात नहीं है, कैसे शोषण किया जा रहा है वो डिफाइन करता हूं मैं। गाइज, 2 महीने पहले जिन लोगों ने Redmi Note 9 Pro खरीदा होगा, उन लोगों को कैसा लग रहा होगा कि Xiaomi क्या कर रही है हमारे साथ? मतलब सेम फोन को अच्छी बैटरी के साथ और थोड़े से अच्छे डिजाइन के साथ उन्होंने 2 महीने बाद लॉन्च कर दिया उसी प्राइस में। क्या आपका ट्रस्ट नहीं टूटेगा ऐसी कंपनी पर जो 2 महीने बाद ही ऐसे स्मार्टफोन को नए नाम से बेचने लग जाए, थोड़ी सी बैटरी बढ़ा के और डिजाइन इंप्रूव करके? Xiaomi को कंज्यूमर्स की सुनने वाली कंपनी माना जाता है, लेकिन फिलहाल 1-1.5 साल से Xiaomi किसी की कुछ नहीं सुन रही। उन्हें पता चल गया है कि इंडिया में अपना व्यापार अच्छे से चल रहा है, तो अपने हिसाब से चलाओ चीज़ें। पोको बनाया गया था फ्लैगशिप किलर के लिए, लेकिन अब पोको किस बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन्स लेकर आ रहा है? 15,000-18,000 हैं तो मतलब Redmi और Xiaomi और पोको क्या कर रहे हो? मतलब अलग अलग नाम से सब संता बनता खेल रहे हो हमारे साथ? अब बात करता हूँ कैसे ये लोग हमारी सिक्योरिटी पर चोट पहुँचा रहे हैं। गाइज, अगर आप पोको M2 Pro के बारे में ज़्यादा रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं वो ऐप्स हैं चीता मोबाइल्स के। जो बेसिक सिक्योरिटी वाला फंक्शन है और जो क्लीनर है वो चीता मोबाइल्स की तरफ से आते हैं। चीता मोबाइल्स इंडिया में बैन कर दी गई है, और बड़ी बात ये है कि ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स तो हैं ही, पोको M2 Pro में आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। आई रिपीट, आप उसे चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। गूगल ने भी चीता मोबाइल्स को बैन किया हुआ है, क्योंकि वो हमारा डाटा है और जो बाकी कंट्रीज़ का डाटा है चाइनीज सर्वर्स को बेच रहे थे, इसी वजह से गूगल ने उन्हें बैन कर दिया। और जो इंडिया में 59 ऐप्स की जो लिस्ट सर्कुलेट हुई थी जो बैन किए गए, उनमें चीता मोबाइल्स के सारे ऐप हैं, क्लीन मास्टर भी है। चीता मोबाइल से हमें क्या खतरा है, साफ बताता हूँ। किसी की आंखें नहीं खुली, लेकिन एक यूट्यूबर है टेक बर्नर, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूँगा बॉस। जब आप पोको M2 Pro में किसी भी सिस्टम के लिए परमिशन अलाउ करोगे, तो सारी परमिशंस एक बार में ही इनेबल हो जाएंगी। जब ऐसा वक्त चल रहा है कि हमारे और चाइना के बीच में संबंध इतने अच्छे नहीं हैं,
हमारी सिक्योरिटीज को खतरा है, ऐसे वक्त में वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और ये गलती कोई भी कंपनी नहीं कर सकती गाइस, ये बहुत सोच समझ के दिया हुआ है। चीता मोबाइल्स के ऐप आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ह्यूगो ऐप, इसमें ऐसे बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं जो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए और जो बैन हो चुके हैं, ज़्यादातर को आप तो अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। और इसमें आपको एड्स नहीं देखने को मिलेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन एड्स नहीं सजेशन देखने को मिलेंगे। सजेशन क्या होता है, हैं नए नाम से ऐड बेचोगे तुम हमें? आप तो सच बोल दे, खैर छोड़िए फैमिली शो है। बच गए पोको वालों। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाकर पोको के स्पेसिफिकेशंस या उनको जस्टिफाई करना बिल्कुल नहीं है। कि आपने अगर आज पोको M2 Pro खरीद लिया तो क्या भरोसा है कि 2-3 महीने बाद नया स्मार्टफोन नहीं लॉन्च कर देगी कंपनी इसी की थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह चेंज करके? तो गाइस आप थोड़ा जागृत होइए और शाओमी या फिर ऐसी कंपनीज पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं है फिलहाल। जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत है तो हमारा थोड़ा सा संयम बहुत काम आ सकता है। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ और जो मेरी रिसर्च है वो आप लोगों के काम आए। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो उसके पास इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर भेजें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।